देखिए, पिछड़े समाज को उन्होंने गाली दी है और जिस केस में उनको सजा हुआ है 2 साल का और मेंबरशिप गया है, कोर्ट ने कहा था कि आप सॉरी बोल दीजिए। वो अहंकारी व्यक्ति हैं, सॉरी भी नहीं बोल सकते हैं और गाली देंगे। ऐसे लोगों की जगह जेल ही है और जेल इनको जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोग अपने संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। 24 में 40 की 40 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। इसी निमित्त माननीय अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। महागठबंधन के कहां से ठगबंधन है, उसमें अपने टिकटे में लठबंधन होगा। हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं, खत्म किया। आप ये बताइए, जनता क्यों चुनती है सांसद और विधायकों को? जनता की कठिनाई की आवाज बनने के लिए सदन में आप सदस्यता रद्द कर देते हो, ये तो जनता के साथ अन्याय है। ये तो हमें राहुल गांधी जी के साथ क्या अन्याय है, वो तो आवाज उठाते हैं सदन में, आप आवाज नहीं उठाने दे रहे हो। तो जनता सब देख रही है, जनता इसका उनको जवाब देगी। बिहार में भी आना पड़ेगा, बिहार में 12 को बिहार में भी जो है जो चर्चा है कि उनको आना है, तो क्या लगता है कि 12 को सम्मन जारी हुआ है उसमें राहुल गांधी आएंगे? अभी हमको आइडिया नहीं है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर होगा तो जरूर आएंगे। देखिए, हम लोग कोर्ट का अवमानना नहीं करते, हम लोग कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं और भारतवर्ष को आजाद अंग्रेजों से कराने से लेकर आज तक तो पूरे देश को सम्मान करते हुए चले हैं। इसलिए कौन क्या करता है, लेकिन अगर होगा जरूरत तो जरूर आएंगे। बिहार में भी आप लोग आंदोलन और तेज करेंगे? बिल्कुल, जब तक देखिए ये जब तक वो अन्याय करते रहेगा, जब तक आप विपक्ष को बोलने नहीं दीजिएगा, तो इसका मतलब हम लोग को तो जनता के बीच जाना होगा, जनता को बताना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर आंदोलन होता रहेगा और निश्चित विरोध करते रहेंगे जब तक कि वो न्याय नहीं मिलता। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी बहुत उत्साहित है, कह रही है कि 24 और 25 में बीजेपी जो है महागठबंधन का सफाया कर देगा। भाई ऐसा है, किसी के व्यक्ति हो तो उनका अपना आंदोलनी मामला है, पार्टी का नीतिगत फैसला है। कोई भी अध्यक्ष बने, किसी एक अध्यक्ष से नहीं होता, जनता चुनती है विधायक सांसद को। जनता ही किसी को उखाड़ फेंक सकती है, कोई एक व्यक्ति किसी को नहीं उखाड़ फेंक सकता।